बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आपके लिए हमारा लेक्चर है बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मेन जो है लेक्चर का कि इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स आपको गिवन होंगे एनी पॉपुलेशन में, ठीक है, नॉर्मल है नॉन नॉर्मल है, वी मीन्स नोन और अननोन दोनों हो सकता है, बट मेन चीज लार्ज सैंपल। अब नेक्स्ट लेक्चर हम उसमें करेंगे ना, उसमें सेम चीजें ये होंगी, लेकिन यहाँ आएगा स्मॉल सैंपल्स। ठीक है स्टूडेंट, लार्ज सैंपल्स मीन व्हेन एन इज ग्रेटर देन 30। लार्ज सैंपल्स क्या होता है? जब एन ग्रेटर देन 30 होता है। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसमें होगा इंडिपेंडेंट सैंपल, जो कहने पॉपुलेशन वेरियस नॉन और अनन, बट स्मॉल सैंपल इट्स मीन एन लेस देन 30 होगा। अब अगर ग्रेटर देन 30 है तो आपको पता है जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, बेशक सिग्मा नॉन या अनॉन है, लेकिन अगर सैंपल लार्ज है तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। अगर सैंपल ही स्मॉल है देन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके डिस्कस करेंगे। और आपकी जो पंजाब बुक है उसमें भी सेम मैं पैटर्न वाइज करा रही हूँ, जो टॉपिक जिस तरतीब से आपको दिए गए हैं मैं भी आपको उसी तरतीब से जो है आपके चैप्टर्स कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि जो पंजाब बोर्ड वालों की बुक है उनके लिए किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसका जो फार्मूला है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मैं फार्मूला लिख रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जी लगेगी। अब जी क्यों लगती है? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो सिग्मा है वो अननोन है, लेकिन जो मेन चीज है जो सैंपल हमें गिवन है वो लार्ज है। जब सैंपल लार्ज गिवन हो देन किसी किस्म का भी डाउट नहीं रह जाता, फिर आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी है। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल शो करवा दूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना रहे। एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास है कि रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट आर टू बी कंपेयर्ड बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स ऑन द नेशन वाइड म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपको गिवन दिए गए हैं टू रैंडम सैंपल्स आपको दिए हैं N1 एंड N2 जो कि 90 एंड 100 है। एक्स बार भी उन्होंने खुद दे दिया, S1 भी दे दिया, ठीक है। इसमें हर चीज ईच एंड एवरी थिंग आपको दे दी गई। अब स्टूडेंट आपने तो सिंपल पुट करनी है। देखिए सबसे पहले आपको जो वो खुद दे दिया गया है, आपको कोई चीज फाइंड नहीं करनी है, और सबसे पहले आपने जो चीज देखी है, देखिए यहाँ पे जो आपने मेन चीज देखी है ना, उन्होंने S1 एंड S2 दे दिया। यहाँ पे उन्होंने ट्विस्ट कहाँ पे रखा है? देखिए ट्विस्ट इस चीज में है कि क्या आपने ये फार्मूला लगाना है या क्या आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, टी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस अल्फा बाय 2 1 बाय एन 1 प्लस 1 बाय एन 2। अब देखिए यहाँ SP हमारे पास है, यहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्यों नहीं लगानी है? टी डिस्ट्रीब्यूशन हम इस वजह से ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास N1 जो है वो 90 है, N2 जो है वो क्या है 100 है। हमने खुद कहा कि देखिए ईच एंड एवरीथिंग आप गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन दे दिया गया है। अब आपको पता चल गया कि टू पॉपुलेशंस गिवन है जिनका जो वेरियंस है वो उससे हमारे पास क्या है अननोन है, ठीक है। लेकिन फिर आपने मेन चीज क्या देखनी है, सैंपल साइज देखे। मैं आपको बार बार कह रही थी कि जो हम इन दो टॉपिक्स में मेन चीज याद रखना स्टूडेंट वो आपके पास क्या होते हैं, सैंपल होते हैं, कि क्या एन जो है सैंपल साइज जो है ग्रेटर देन 30 या लेस देन। अब देखिए 90 जो है वो भी ग्रेटर देन 30, ये भी ग्रेटर देन 30, इट्स मीन आप यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब स्टूडेंट ये आपने इसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपने जो मेन बात याद रखी है वो ये याद रखनी है कि क्योंकि हमारे पास सैंपल जो ग्रेटर देन 30 है देन वी आर यूजिंग द जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास जो वैल्यू गिवन है जो कि मैंने आपको शो भी करवाई है अभी 76.4 है, 1 माइनस ये हमारे पास क्या है 81.2 प्लस माइनस जी हमारे पास क्योंकि 98% दिया तो 98% आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, 0.98 है, ठीक है। यहाँ से हम अल्फा लेंगे जो कि हमारे पास क्या है 0.02 क्योंकि 1 इधर चला जाएगा, तो अल्फा बाय 2 जब करेंगे तो हमारे पास 0.01 क्योंकि दोनों साइड को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारे पास 0.01 आया है इसको आपने क्या करना है, जी 1 माइनस 0.09 टू 0.99 ये आपने चेक करना है टेबल में, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.326। तो टेबल देखेंगे जो मैथड है इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में आपको गिवन है। अच्छा स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू, यहाँ आपने जो लिखनी है 2.326 आ गई। अब S1 आपके पास क्या गिवन है? देखिए S1 उन्होंने खुद डेटा में दे दिया, वो आपको दिया जी 8. अच्छा ये सिर्फ S1 है, स्क्वेयर नहीं गिवन, स्क्वेयर आपने खुद लेना है। तो ये हमारे पास S1 जो है वो 8.2 है एंड S2 जो है N1। अच्छा स्टूडेंट इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम मिस कर रहे हैं, और यहाँ से वो अगर हम मिस करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, जो बुक में आपके पास लिखा ना उन्होंने लिखा है कि 81.2 माइनस 76.4, और यहाँ पे जो उन्होंने लिखा वो लिखा है 76. का स्क्वायर एंड 100 एंड प्लस 8.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90।
अब देखिए हमारे पास उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, उन्होंने हमें दिया कि एस वन ये है, एस टू ये है। अब यहाँ पे जो उन्होंने फार्मूला, उन्होंने टू को पहले प्रेफर किया, वन को बाद में किया। यहाँ पे टू को पहले प्रेफर किया, वन को बाद में किया। अब उसके रीजन क्या है? रीजन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर सिंपल फार्मूला करोगे तो आपको वही आएगा, अगर रीजन के साथ समझोगे तो आपके पास जो मैंने आपको क्वेश्चन शो करवाया ना वो मैं आपको दोबारा करवाती हूँ, साथ आपको रीजन बताती हूँ कि मैंने सिंपल में वैल्यू पुट करके इसमें क्यों आपको वैल्यूज पुट करके बताई कि हमने जी एक्स टू पहले लेने। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। देखिए वो आपको कहते हैं कि टू रैंडम सैंपल्स आपको गिवन है सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, रूरल एंड अर्बन एरियाज क्लास स्टूडेंट। द समरी ऑफ स्टैटिस्टिक गिवन, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफरेंस इन पॉपुलेशन स्कोर्स बिटवीन अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट फाइंड करना है। लास्ट लाइन पे आपने तवज्जो देनी है, ठीक है। उन्होंने क्या है जो लास्ट लाइन मैंने अब भी आपको शो करवाई है, अगर ये ना देते लाइन, ठीक है, आपने क्वेश्चन बड़े गौर से पढ़ना होता है, जितना 10 मिनट आप सॉल्व करने पे लगाते हो ना, अगर 2 मिनट क्वेश्चन गौर से पढ़ोगे तो उसका आपको बेहतरीन फायदा ही होगा कि अगर क्वेश्चन में कहीं ट्विस्ट गिवन है तो वो आपको समझ में आ रही है। अब जिस तरह स्टूडेंट ने पहले फार्मूला लिखा था ना वो ओरिजिनल फार्मूला था, हमने सेम उसी तरीके से कर देना था हमारा आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ सिचुएशन उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने वैसे टेबल में तो पहले क्या दिया हुआ है, रूरल एंड अर्बन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने फाइंड करने का कहा है कि आपने डिफरेंस फाइंड करना है अर्बन एंड रूरल, इट्स मीन आपने एक्स टू को पहले रखना है, एक्स वन को बाद में रखना है। तो फिर मैंने जो चेनिंग दोबारा से की वो इस वजह से की है कि एक्स टू मैंने पहले रखे हैं, एक्स टू यहाँ भी पहले रखे हैं और एक्स वन बाद में रखे हैं। बस ये थोड़ी सी चेंजिंग आपने इस एग्जाम्पल में याद रखनी है, और आपने क्वेश्चन बड़े ही गौर से पढ़ना होता है, एग्जाम में आप सारा कुछ ठीक कर रहे होते, लेकिन थोड़ी सी कोताही, थोड़ी सी आपकी जल्दबाजी जो है वो आपको फुल क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग करवा देती है। यहाँ पे जो आपके पास आंसर आता है ना, फिर दो लिमिट्स आ जाती हैं जब आप इसे सॉल्व करोगे ये, लेकिन जो आपने रिप्रेजेंट करना है अपना आंसर, वो आपने 2.1 μ2 − μ1 करना है, और आपके पास क्या है 7.5। अब यहाँ पे हम वैसे तो करते हैं μ1 − μ2। अब अगर स्टूडेंट आपको ये ट्विस्ट ना होता ना कि आपने अर्बन डिफरेंस बिटवीन अर्बन टू रूरल करने, देन आपने μ1 − μ2 लिखना था, बिकॉज आपको क्वेश्चन में यही कहा गया है कि आपने पहले अर्बन को ले लेना है तो आप नेक्स्ट टू को पहले लिखना है, तो इस वजह से हमने μ2 − μ1 क्या है, एंड बोथ वैल्यूज जो है ये लोअर लिमिट से या अपर लिमिट से वो आ गई है। तो इस एग्जाम्पल्स को करवाने का मकसद ये था कि अगर इसका अगर ट्विस्ट आपको गिवन दे दिया जाए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, और दूसरा अगर आपके पास लार्ज नंबर है, एन लार्ज है, तो देन आपने क्या करना, और अगर स्मॉल होगा तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता देती हूँ। आई होप स्टूडेंट आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आई होगी, लेकिन अगर स्टूडेंट आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है उनको दूर कर सकूँ। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हमारे पास, क्योंकि 3 SP के 3 हमने फार्मूलेस पढ़े थे ना, तो वो तीनों से तीनों के रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।